बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अली अब्बास। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्वादर में, और ग्वादर आने का जो पर्पज़ मेरा यहां बना वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी इस स्टेडियम की। और ये एक ऐसा हैरत अंगेज स्टेडियम है कि पहाड़ और पहाड़ के पीछे समंदर है। पिछले दिनों ICC ने भी इस स्टेडियम का जिक्र किया था। पिछले दिनों मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था, शहजाद साहब के पास, शहजाद मिर्ज़ा साहब के पास, उनकी ऑफिस की मुबारकबाद है। उन्होंने मुझे फ़ौरन से कहा कि ग्वादर चलते हैं। मैं पहले से ही प्लान कर रहा था और 3-4 माह से मैं ये ग्वादर के बारे में देख रहा था, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर देख रहा था। और ये ख़ास तौर पर जब ये स्टेडियम बना, यहाँ पर एक मैच हुआ था जो कि एक्टर एक्ट्रेसेस ने आके मैच किया था, उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से गौर किया। बस ख्वाहिश मेरी बढ़ती जा रही थी और उस ख्वाहिश को तकमील किया शहजाद मिर्ज़ा साहब ने, और मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे हमने डिसीजन जल्दी लिया, मंडे को मेरी इनके साथ मुलाकात हुई और वेंसडे को हमने फ्लाइट करके हम कराची आए, और फिर कराची से रास्ता जो है वो कराची से यहाँ पर बड़ा ही कमाल मार्वलस स्पेस है। और ख़ास बात यह है कि रास्ते में एक मंदिर आता है, मंदिर में हमने वक्त गुजारा। वो काली माता का मंदिर है और वो हज़ारों साल पुराना है। वहाँ पे जो हमें हिंदू मिले वो ये कहते हैं कि अगर इसको अच्छे तरीके से टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए तो लाखों जो हिंदू हैं वो यहाँ पे आने के लिए तरस रहे हैं, और वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मंदिर है। कराची से जब हम ग्वादर की तरफ आते हैं तो 4 घंटे के बाद ये मंदिर आ जाता है। और उस मंदिर पे एक छोटा सा वहाँ पे उनका मेला हो रहा था, लेकिन वो मुख्तसर था क्योंकि कोरोना की वजह से वो डिले हो चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो रास्ते में जो हमने नज़ारे देखे, प्रिंसेस ऑफ होप देखा, वो बड़ा खूबसूरत स्टैचू है। उसके अलावा इतना खूबसूरत रास्ता है कि एक साइड पे समंदर है, दूसरी साइड पे रेगिस्तान है, उसके साथ पहाड़ है। मैंने दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहाँ पर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हों। मुझसे अक्सर मेरे यूट्यूबर दोस्त और मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, हम कैसे करें। तो सबसे बेहतरीन आइडिया मुझे यहाँ पे आगे आया कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ वहाँ आप अपने जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको प्रमोट करें। अगर कोई अच्छा राइटर है आपके इलाके में उसको प्रमोट करें, अगर कोई तारीखी मुकाम है आपके इलाके का आप उसको प्रमोट करें। इस तरह जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बड़ी ग्रो करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही जो टूरिज़्म है वो बड़ा अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कल्चर्स को भी स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ मुलाकातें भी आपस में करेंगे, तो इस तरह फिर पाकिस्तान को भी आप अच्छे तरीके से जान सकेंगे। और यहाँ आके मैं बड़ा हैरान हुआ ग्वादर में। मैं ये समझता था कि यहाँ पर या तो सहरा है, यहाँ पर ये पहाड़ हैं और एक पोर्ट बनी होगी और कुछ 2-4 होटल होंगे, जबकि ये पूरा शहर आबाद है। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख आबादी है इस शहर की। और जो हम बाज़ार से जब हम कल आ रहे थे तो तकरीबन 400 से 500 के करीब दुकानें थी। दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और हमने कल जो कढ़ाई है, जो फिश कढ़ाई मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा खाई है, वो भी हमने यहाँ पर टेस्ट की। क्योंकि मैं हमेशा जिस इलाके में जाता हूँ उस इलाके की चीज़ें जो हैं वो टेस्ट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्या, ताकि हम उस इलाके के कल्चर को समझ सकते हैं और वहाँ का जो फूड है उसको टेस्ट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और मेरी इस स्टेडियम में आके ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यहाँ पे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होना चाहिए, आतिफ असलम को यहाँ पर आना चाहिए, और मुख्तलिफ हमारे यूट्यूबर्स जो मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया के लोग हैं, अगर वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके वीडियोज़ बनाएँ और इस इलाके को प्रमोट करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगे। ख़ास तौर पर जो एयरलाइंस हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाहौर से और इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ पे चलाएं, ताकि ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। और आप अगर लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं तो इसके पीछे सारा बीच है, तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर का एक एरिया है जहाँ पर पूरा बीच है। कल हमने शाम को यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारा। मैं तो शहजाद साहब के साथ आके यहाँ पर बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इसी की वजह से मोटिवेशन से हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में जब आप आते हैं कराची से ग्वादर, आपने 2-3 बातों का बड़ा ख्याल करना है। एक तो रास्ते में कोई वर्कशॉप नहीं है, अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आपको बड़ा मसला आएगा। टायर्स आपके बड़े बेहतरीन होने चाहिए,
उसमें आपने किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपकी गाड़ी सेट हो। और यहाँ पे सिर्फ ब्लू फोन के सिग्नल आते हैं रास्ते में। यहाँ जब हम पहुँच गए ग्वादर में, यहाँ तो यार सारे आते हैं लेकिन वहाँ पे यूट्यूब के सिग्नल आते हैं। अच्छा, जब मैं मंदिर गया वहाँ पे मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा कि सर हमें समझ नहीं आ रही कि ये मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ भी जो लोग मौजूद थे वो भी थोड़े हेजिटेंट थे मंदिर में जाने के लिए, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल मानता है अगर तो आप चले जाएँ, अगर आपका दिल नहीं मानता तो ना जाएँ। किसी किस्म की ममानियत नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंटरफेथ हारमनी के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि आप दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों में जाएँ, वो आपकी इबादत गाहों में जाएँ। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में और तबलीग ख़ास तौर पर करने के लिए ये बड़ा आसान फिर हो जाता है जब आप तबलीग करते हैं। तो उसके अलावा वैसे हमें तो वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने बड़ा वेलकम किया, अपना एक मुझे उन्होंने चादर भी पहनाई और मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ खाएँ, प्रसाद भी दिया वो भी हमने खाया, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से हमारी रिस्पेक्ट की। अगर ये देखते जाएँ, अगर आप इस तरफ से ये पहाड़ पीछे समंदर और वो टॉप पे जो है ना वो पीसी है, पीसी में अपनी जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की है और ये पहाड़ की बिल्कुल ऊपर करके है, इसी चारों तरफ से इसका नज़ारा आता है। जब हम कराची से ग्वादर आ रहे थे तो तकरीबन 7 आदमी चेक पोस्ट मौजूद थी रास्ते में, जिन्होंने हमें चेक किया और उन्होंने बड़े ही एहतराम से बड़े ही प्यार से हमें पूछते हुए वो देखे, उन्होंने हमें रवाना किया और उन्होंने कहा कि आप अगर जा रहे हैं तो बस यहाँ पे एंट्री जो है वो करवानी पड़ती है, अपना आईडी कार्ड दें आपकी एंट्री। मेरी ख्वाहिश है आप सब अपने सीखने के लिए बल्कि अगर किसी ने अपनी शादी करनी है वो भी किसी में जा सकता है, अपने सारे रिश्तेदारों को यहाँ बुला के ये बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बड़ा अच्छा बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।